ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा। श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको दैनिक पंचांग राशि परिचय राशि फल एवं खास उपाय की जानकारी देंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष के इनको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 21 मई मंगलवार 2024 श्री शुभ संवत 2081 शक संवत 1946 वैशाख महीना उजाला पाक 13 तिथि सूर्य वृषभ राशि में चंद्रमा तुला राशि में। स्वाति नक्षत्र अगले दिन भी रहेगा। दिशा सूर्य उत्तर दिशा परिहार गुण। कहने का मतलब ये है आज के दिन उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं है। अगर उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए जरूरी है तो आप गुड़ खाकर यात्रा आरंभ करते हैं तो आपको सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। राहु काल दिन में 3 बजे से 4:30 बजे तक, गुलिक काल दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक, यमगंड काल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें। क्यों? क्योंकि जो भी शुभ काम किए जाते हैं राहु काल में या यात्रा चालू की जाती है राहु काल में, ये दोनों ही काम में कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं तो ये दोनों ही काम अगर आप गुलिक काल में शुरू करते हैं तो आपको सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अब हम आपको राशि परिचय की तरफ लेके चलते हैं। अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि की जानकारी कर लें। कुछ अक्षर दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं, उन्हें इस प्रकार समझें जैसे कि प्रा। प्रा से भी बहुत लोग के नाम है, आप घबराइए नहीं, क्यों हम आपको रास्ता बताएंगे। देखो प्रा से भी बहुत से नाम है जैसे प्रमोद प्रेम, तो भाई प्रा को आप पास देखें। कहने का सीधा सा मतलब यह है प्रा को आप कन्या राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर त्रा होता है और त्रा से भी बहुत लोग के नाम है जैसे कि त्रिभुवन त्रिवेणी, आप परेशान न होइएगा, त्रा को आप ता से देखिए। कहने का मतलब यह है त्रा को आप तुला राशि में देखिए। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर ज्ञान होता है और ज्ञान से भी बहुत लोग के नाम है जैसे कि ज्ञानेन्द्र ज्ञानवती, अब आप टेंशन मत लीजिए। ज्ञा को आप गा से देखिए, कहने का सीधा अर्थ यह है ज्ञा को आप मकर राशि में देखिए। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर श्रा भी होता है और श्रा से भी आप परेशान न होंगे। श्रा को आप सा से देखिए, कहने का मतलब यह है श्रा को आप कुंभ राशि में देखिए, ठीक है ना। अब हम आपको राशि फल की तरफ लेके चलते हैं। एरिस यानी मेष राशि, मेष लग्न राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए शुभ है। रोजी रोजगार में लाभ होगा, पति पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा, माता का सहयोग प्राप्त होगा, शरीर में प्रसन्नता रहेगी। विशेष उपाय हनुमान जी पर बेसन के लड्डू आप चढ़ाइएगा। टॉरस यानी वृषभ राशि, वृषभ लग्न राशि के जातकों आज आपको सतर्कता की जरूरत है झगड़े झंझट से तथा अपने स्वास्थ्य के प्रति। भाई बहन से भी मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं, धन हान होने के भी योग। विशेष उपाय अपने वस्त्रों में अच्छा सा परफ्यूम प्रयोग करें। जेमनी यानी मिथुन राशि, मिथुन लग्न राशि के जातकों आज संतान का सहयोग प्राप्त होगा, विद्यार्थियों को विशेष विद्या का लाभ मिलेगा, परिवार का सहयोग भी प्राप्त होगा, धन संग्रह करने के मौके मिलेंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी, सरकारी
कामों में सफलता मिलने की ओर दिखाई दे रहा है। विशेष उपाय, गाय को हरा चारा खिलाओ। कैंसर यानी कर्क राशि, कर्क लग्न राशि के जातकों, आज जमीन जायदाद संबंधी मामलों में लाभ होने की ओर दिखाई दे रहे हैं। माता का सहयोग प्राप्त होगा। सरकारी अधिकारियों से भी लाभ होने की ओर दिख रहे हैं। पिता को भी सुख प्राप्त होगा तथा शरीर स्वस्थ रहेगा, मन खुश रहेगा। विशेष उपाय, दूध घी खीर मिश्री आदि सफेद चीजों का आप दान करिएगा। लियो यानी सिंह राशि, सिंह लग्न राशि के जातकों, आज भाई बहन से मतभेद होने की दिखाई दे रहे हैं। अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे, भाग्य में बाधा पड़ेगी, धार्मिक कामों में मन नहीं लगेगा तथा अपयश मिलने की योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, लाल मसूर की दाल का आप दान करिएगा। वर्गो यानी कन्या राशि, कन्या लग्न राशि के जातकों, आज परिवार का सहयोग मिलेगा, धन लाभ होने की योग दिखाई दे रहे हैं, धन संग्रह होने की भी योग है, आयु में वृद्धि होगी। विशेष उपाय, गाय को हरा चारा खिलाना। लिब्रा यानी तुला राशि, तुला लग्न राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए अच्छा है, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मन खुश रहेगा, भैया खुश हो जाइएगा, गृहस्थ सुख भी आज आपको मिलेगा, पति पत्नी में आपस में खूब प्रेम रहेगा, रोजगार में लाभ होगा तथा पिता का भी सहयोग मिलेगा। विशेष उपाय, अपनी पत्नी का सम्मान करिएगा। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न राशि के जातकों, आज खर्चा बढ़ेगा, बाहरी स्थानों से मदद मिलने की योग दिखाई दे रहे, कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी, भाग्य प्रबल है। विशेष उपाय, भाई का अपमान न करें। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, धनु लग्न राशि के जातकों, आज धन लाभ होने की योग दिखाई दे रहे, आयु में वृद्धि होगी, संतान से मतभेद होने की योग दिखाई दे रहे तथा दिमाग में कुछ उलझन भी पैदा होगी। विशेष उपाय, अपने पति पर भरोसा रखिएगा। कैपिकार यानी मकर राशि, मकर लग्न राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए शुभ है, पति पत्नी में सहयोग रहेगा, रोजगार में लाभ होगा, पिता से भी लाभ मिलेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, माता को भी सुख प्राप्त होगा। विशेष उपाय, काले कुत्ते को रोटी खिलाइएगा। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, कुंभ लग्न राशि के जातकों, आज भाई बहन में मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं, भाग्य में बाधा पड़ने की भी योग है, झगड़े झंझट की स्थिति आपके सामने आने के भी चांस दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, सरसों के तेल का दान करिए। पाइसिस यानी मीन राशि, मीन लग्न राशि के जातकों, आज संतान से मतभेद होने के योग दिख रहे हैं, दिमागी टेंशन बढ़ने के चांस है, आयु में वृद्धि होगी, पुरुषों की शक्ति का लाभ मिलेगा, धन संग्रह होने के योग बन रहे हैं, परिवार का सहयोग भी प्राप्त होगा। विशेष उपाय, पति का सम्मान कीजिएगा। अगर अपनी राशिफल में विशेष सटीकता चाहते हैं तो अपनी राशिफल को लग्न से देखें। अगर आपको अपनी लग्न नहीं मालूम है तब आप क्या करें, अगर आपको अपने लग्न नहीं मालूम है तो हमसे संपर्क करके निशुल्क अपने लग्न की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। हमारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियोज है। आवश्यक सूचना अष्टरेखा परीक्षण, जनपति परीक्षण, ग्रह शांति, सत्यनारायण कथा, संतान प्राप्ति, तांत्रिक अनुष्ठान, विवाह आदि के लिए हमारे मोबाइल नंबर 98072255 23 पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक
व्हाट्सएप या कॉल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मिलने का स्थान मिश्रा ज्योतिष केंद्र कम्युनिटी सेंटर सामने पार्क के पास आवास विकास नंबर 1 कल्याणपुर कानपुर नगर। जय माता दी।